दोस्तों, अगर आप भी अपने खेत में आवारा पशुओं से परेशान हैं, कितने भी आप तरीके अपना चुके हैं लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो कंक्रीट पोल बनाने के लिए जो फ्रेम सेट करना होता है, फ्रेम बनाने होते हैं, उसका भी हमने जुगाड़ बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, हम गए थे शॉप पर, जो हार्डवेयर की दुकान होती है, वहाँ पर जाकर के जो ये शटरिंग वाला जो ये होता है, प्लाईबोर्ड होता है, उसको हमने लिया था और ये हमको 1300 रुपये में प्लाईबोर्ड मिला है। अगर आप लोकल वाला प्लाईबोर्ड यूज़ करेंगे तो वो जैसे ही आप पिलर बनाएंगे तो उसमें नमी आ जाने से वो फूल जाता है और वो फिर बन नहीं पाएगा। तो ये जो है, हमने इसकी देखिए 4 इंच चौड़ाई की पट्टी इसमें कटवा ली है और ये 4 पट्टियाँ हमने बनाई हैं। तो इन चारों पट्टी से 2 पिलर का जो बनाने का फ्रेम है वो एक बार में बन जाएगा और ऐसे करके हमने इनको कटवा लिया है। अब देखिए आगे क्या करना है, इनको बराबर करके इस तरीके से और यहाँ पर चारों में होल करना है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर होल किया जा रहा है जहाँ से हम नट बोल्ट डालेंगे। पूरा जुगाड़ से हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्योंकि देखिए, जब खेत में आप लकड़ी के पोल लगाते हैं तो वो एक ही सीज़न में ख़राब हो जाते हैं और हर बार हमको लगाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तार लपेटने की। तो यहाँ पर देखिए, जो बोल्ट है ये 3 सूत का बोल्ट हमने लिया हुआ है और ये 6 इंच लंबा है। तो इस तरीके से आपको 2 बोल्ट लगेंगे एक फ्रेम में और टोटल आपको 4 बोल्ट नट बोल्ट लेने हैं इस तरीके के। अब देखिए, यहाँ पर हम घर में ले जाने के लिए इसको इस तरीके से एक ही में जोड़ लिए हैं, लेकिन वहाँ जाकर खोल लेंगे। और अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक इस तरीके की फंटी चाहिए होगी जिसमें आपको 4 इंच के, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई के 4 गुटके कटवाने हैं। एक फ्रेम के लिए 2 गुटके लगते हैं इस तरीके से, ताकि जो हम जब हम पिलर बनाएंगे तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाला जो किनारे का पार्ट होता है, वहाँ से जो मसाला हमारा रहेगा कंक्रीट का, वो बाहर ना जाने पाए और ये जो नट बोल्ट हैं वो भी आसानी से हम निकाल सकें। तो इस तरीके का आपको 4-4 इंच के लंबाई चौड़ाई के गुटके बना लेने हैं जो आसानी से यहाँ पर फिट हो सकें। ये देखिए, इस तरीके से लगा करके और नट बोल्ट जो है हम टाइट कर देंगे। लेकिन ये अभी हमने बाहर इसको सेट किया है, आपको अंदर किसी तरफ सेट करना पड़ेगा, अभी वो भी दिखाएंगे। अब देखिए, हम आ चुके हैं घर अपने और यहाँ पर जो बोर्ड बचा था उसी के ऊपर हमने ये जो पिलर में हम सरिया डालेंगे, सरिया का जो है इसमें बंधाई कर ली है और ये जो इसके रिंग हैं इनको हमने बनवाया है, 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से ये बना के दिया है शॉप वाले ने। तो इस तरीके से देखिए, 3-3 सरिया का हमने ये बनाया हुआ है और इनको अच्छे से तार से बांध दिया है। इससे क्या होगा कि पिलर पे कभी भी कितना भी कोई लोड आ जाए तब भी पिलर टूटेगा नहीं, भले ही मुड़ जाए कहीं से, लेकिन टूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि 3-3 सरिया इसमें पड़ी हुई हैं, मजबूती बहुत ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्रेम है वो भी हमने सेट कर लिया है और ये देखिए, सरिया के जो नट बोल्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर से डालना है ताकि इसकी जो लंबाई है वो भी थोड़ी कम हो जाए। ये जो प्लाईबोर्ड होता है वो 4x8 का होता है, यानी 4 चौड़ाई होती है और 8 फीट इसकी लंबाई होती है। तो हमने लंबाई में बिल्कुल नहीं काटा है और ये देखिए, इतना इतना लगभग 5 से 6 इंच इस तरफ छूटेगा और इतना ही उधर छूटेगा, तो दोनों मिला करके 1 फीट छूट जाएगा, फिर भी हमारा 7 फीट का जो पोल है वो बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए, सरिया को आप और अगर रिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 3-3 रिंग डाले हैं और इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर अभी हम इधर भी डाल देंगे। और बीच में ये जो प्लाईबोर्ड होता है ये बीच में लपके नहीं, यानी इधर उधर थोड़ा फैले ना, इसके लिए हमने और एक जुगाड़ बनाया है, वो भी अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे थोड़ा सा ये इधर उधर को भगेगा जब इसमें मसाला हम भरेंगे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का सरिया जो है वही वाला, उस सरिया को हमने टेढ़ा कर लिया है और इसको बीच में फंसा देंगे। जब हमारा पिलर बन जाएगा तो इसको फिर से हम निकाल के हटा सकते हैं, या तो फिर साइड में आपको 2 डंडी गाड़नी पड़ेंगी, कील गाड़नी पड़ेंगी, तब जाके ये रुकेगा, नहीं तो ये लपकेगा ज़रूर क्योंकि ये प्लाईबोर्ड है और पतला प्लाईबोर्ड होता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ होता है इसलिए कितना भी हम बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लंबाई आपको बिल्कुल सेम रखनी है, इसकी चौड़ाई सेम रहे, ऐसा आपको ये बनाना है सरिया को मोड़ करके। ये आसानी सरिया मुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये आसानी से चला जाता है और अच्छे से 4 इंच की चौड़ाई में ही इसको सेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आज आपको कुछ एक्सपीरियंस भी बताएंगे, अभी हम पिलर की पथाई करेंगे तो देखते हैं क्या क्या उसमें समस्याएं आएंगी, वो भी आपको बताएंगे, ताकि जो समस्याएं हम सामना करें वो आपको ना सामना करना पड़े, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, कुछ रिंग अभी हमारे पास बची हुई हैं, तो ये रिंग बहुत ज़्यादा कास्टली भी नहीं पड़ी है, हमने आपको बता ही दिया है, 2 रुपये प्रति रिंग के हिसाब से उन्होंने बना के दिया है
और जो सैया थी वो हमने खुद से दी थी खरीद करके। तो इसमें जो खर्चा है वो अभी आपको बता देंगे कितना टोटल पड़ा है, जो टोटल सरिया हमने खरीदा था वो भी आपको बताएंगे, और कितना खर्चा आया इस पिलर बनाने में, एक पिलर में कितना खर्चा आएगा वो भी आपको पूरी डिटेल में अभी बताएंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सरिया जो है टोटल 70 किलो खरीदी थी और लगभग 65 रुपये किलो सरिया हमको पड़ी है। ये पतली वाली सरिया होती हैं, ये दो सूत की आप बोल सकते हैं, दो सूत की ही बोलते थे वो लोग। तो इस तरीके की सरिया जो है वो हमने बना लिए हैं, और सरिया की लंबाई जो है वो 7 फीट हमने रखी है। यहाँ पर देखिए ये बजरी पड़ी है और ये है डस्ट, इसको आप हमारे यहाँ तो डस्ट ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे। और जो मसाला बनाना है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो मसाला जो बनता है वो पता नहीं होता कितना बना हुआ है, वो कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद ख़राब होने लगता है। इसलिए जो मसाला बनेगा यहाँ पर वो 3-1 का बोला जाता है, यानी तीन जब तीन डस्ट पड़ेगी ये वाली पतली वाली, और उसके बाद जो है एक तसला सीमेंट का पड़ेगा। गिट्टी को काउंट नहीं किया जाता है, जितना आप डस्ट डाल रहे हैं उतनी ही आप गिट्टी डाल सकते हैं। जो गिट्टी है वो 1 mm की हमने ली है, 1 mm वाली गिट्टी ज़्यादा मजबूत रहती है, ये टूटते नहीं है आसानी से, और पकड़ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों टोटल हमने यहाँ पर 25 square feet गिट्टी मंगाई थी और 25 square feet ही हमने यहाँ पर डस्ट मंगाई थी, जो लगभग 1200-1300 रुपये की पड़ी है हमको। आधी ट्राली में दोनों चीज़ें आ गई थी, तो इतने से हमको जितने पिलर बनेंगे वो भी आपको भी हम बताएंगे। तो ये देखिए मसाला बनकर अभी जब तक रेडी होता है तब तक आपको थोड़ा और आगे दिखाते हैं। मसाला को जब देखिए सीमेंट यहाँ पर डाल लिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। तो मिलाने में जितनी दिक्कत होती है थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन जितनी दिक्कत आपको होगी उतना ही आगे आपका जो पिलर है वो बहुत ही मजबूत बनेगा। यहाँ पर देखिए जो हमने आपको बता ही दिया कि 3 भाग आपको डस्ट लेनी है और 1 भाग सीमेंट लेना है, इस अनुपात में हमने मिलाया है ताकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत बने। इस जो अनुपात में मसाला मिला करके ज़्यादातर जो छत डाली जाती है, स्लेब डाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे ज़मीन बहुत अच्छे से समतल कर लिया है, और यहाँ पर हम एक पॉलीथीन यूज़ करने वाले हैं नीचे, ताकि जो नीचे का जो पानी होता है उसमें ज़मीन में ना पकड़े, और जो सीमेंट होती है इसलिए ज़मीन में ना वो मिट्टी ना उठाए, उठाने में बहुत ही आसानी हो, इसलिए हमने डाला है। लेकिन देखते हैं, हमको कुछ डाउट हो रहा है कि इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो फ्रेम है हमारे पास 2 ही हैं और इसमें टाइम ज़्यादा लेगा ये सेट होने में, इसलिए अभी आपको बताते हैं कितना समय लगेगा। तो दोस्तों एक हमने उधर बना दिया है जो पॉलीथीन सीट के ऊपर, लेकिन दूसरा जो फ्रेम था उसको हमने नीचे अखबार बिछा करके बना रहे हैं यहाँ पर, और देखते हैं कौन पहले सेट होता है, आधे घंटे में कौन अच्छे से निकल आएगा, क्योंकि आधा घंटा लगभग लगता है एक पिलर को बनाने में, और 15 से 20 मिनट मांग चलिए लगता है, लेकिन सबको सेट करने में आधा घंटा लग जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कौन जल्दी सेट होगा, उसी हिसाब से हम बनाएंगे पिलर। तो देखिए ये पहले हमने थोड़ी सी लेयर नीचे बिछाई थी, अभी आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कैसे, आपको एक दिखा देंगे बना करके कैसे बनाया जाता है, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सूखने के लिए थोड़ी सी जो सूखी हुई सीमेंट है उसको इस तरीके से डाल करके इसको हम निकालेंगे। दोनों को इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, और देखते हैं कौन पहले निकलेगा और अच्छे से निकलेगा। अगर कोई फैल जाता है, हमें लग रहा है कि पॉलीथीन पे जो बना हुआ है वो उसकी नमी कम नहीं होगी, इसलिए वो जल्दी इसे फैल सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। दोस्तों टोटल 5 बोरी सीमेंट हम लेकर आए हैं, और जो फर्मा हमने बनवाया था उसको लगभग 800 रुपये लग गए हैं फर्मा बनाने में, उसको कटवा करके, और जो नट बोल्ट थे साथ में, जो कील हम लाए हैं इसमें लगाने के लिए, उन सबको मिलाकर 800 रुपये खर्च हुआ था। अभी यहाँ पर कील भी लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे तार फंसाने के लिए, और जो लेबर लगेंगे वो अभी आपको हम बाद में बता पाएंगे कितना टोटल लेबर लगे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब हमने क्या किया है, लगभग 2.5 फीट की एक डंडी हमने नाप ली है, और उस डंडी को रख करके एक तरफ से और बराबर उसकी दूरी पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से कील को डाल करके जो उसका मत्था होता है उसको नीचे फंसा दिया है, और उसके आगे 1 फीट की जो पत्ती होती है उसको हम रख करके यहाँ पर 1-1 फीट की दूरी पर जो कील है वो फंसाते जा रहे हैं, और इसको अभी अच्छे से दबा देंगे, मसाला ऊपर से लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो टोटल हमने 5 तार लगाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं हम, ताकि ऊपर तक बहुत ही अच्छी तारबंदी दिखे और कोई भी अंदर ना जा सके, इसलिए हम 5 तार की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भले ही हम 4 तार ही लगाएंगे, लेकिन भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 5 लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर नींबू का हम बाग लगा रहे हैं और कोई भी जानवर उसमें नुकसान ना पहुँचा पाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये डंडी जो है लगभग 2.5 फीट की है, क्योंकि 1.5 फीट का जो पिलर है लगभग 1.5 फीट ज़मीन में अंदर गड़ जाएगा और 1 फीट के ऊँचाई से जो तार है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्था हमने की है। अब देखिए इस तरीके से जो बनाने के बाद में
यहाँ जो कील होती है वो अच्छे से हमने सेट कर ली है और सभी में साथ साथ में लगाते चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने जो पॉलीथीन पे बनाया था उसको निकालने जा रहे हैं हम लोग, और देखते हैं कितना समय उसमें लगता है निकालने में, निकलता है या नहीं निकलता है। काफ़ी देर हो गया उसको, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए अब दिखाते हैं निकाल करके वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर जो सीमेंट डाला था वो आपको इसको इस करनी से इस तरीके से चिकना कर देना है ताकि ये खुरदरा ना रहे। जो ऊपर से सूखी सीमेंट हम लोग डालते हैं उसको इस तरीके से थोड़ी देर बाद अच्छे से चिकना कर दें ताकि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी। तो ये करने के बाद में अब देखिए यहाँ जो साइड में था हमने पॉलीथीन पे बनाया था वो हमको डाउट हो गया था, इसलिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए निकाल रहे हैं इसको, लेकिन समय बहुत ले रहा है ये, और ये देखिए नीचे से पानी भी अभी छोड़ रहा है। इसलिए इस पर पॉलीथीन पे बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि इसमें समय बहुत लग रहा है सेट होने में। आपको हमारी ये सलाह है कि जब भी आप पिलर बनाएं तो पॉलीथीन नीचे मत डालिएगा, इसकी जगह पर आप जो अखबार होते हैं वो डाल लीजिएगा। उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आसानी से सोख जाता है। और यहाँ पर देखिए जो रिंग थी वो भी इस तरीके से हमने एक और बढ़ा ली है ताकि ये बिल्कुल और अच्छे से बन पाए, बिल्कुल मोटाई सेम रहे। और पिलर वैसे भी मजबूत बहुत बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा इसको। जितनी भी सरिया की ज़रूरत पड़े बीच में आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि जो फर्मा बनवाएंगे वो काफ़ी कास्टली पड़ता है और इससे जो है ये भी हमारा जितना काम है उतना बन जाएगा उससे। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से निकला है, यहाँ पर जो पानी था वो सोख गया है और ये बहुत सफाई से निकला है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई निकालने में। ये देखिए इस तरीके से अभी गीला है ऊपर। तो चलिए अब आपको क्या एक पिलर हम बना के दिखा देते हैं फाइनल रूप से कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इधर देखिए ये हमने जो पॉलीथीन थी उसको हटा दिया है, पूरे में बिछाया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पिलर है उसको फ्रेम को आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में एक लेयर लगभग 1 इंच मोटाई की आपको जो आपने मसाला बनाया है गिट्टी कंक्रीट का उसको आपको नीचे डाल देना है। उसके बाद बीचों बीच में जो सरिया का जो 3 सरिया हमने बनाई थी उसको बंडल को आपको रखना है। रखने के बाद में आपको मसाला डालना है ताकि चारों तरफ से मसाला बहुत ही अच्छे से कम्पैक्ट हो जाए और हमारी सरिया जो है खुला ना रहे, क्योंकि जहाँ पर भी सरिया खुला रह जाती हैं वहाँ पर पानी जब बारिश होती है तो पानी से नमी चली जाती है और पिलर हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पर लगातार पिलर बन रहे हैं, तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि कैसे कितना खर्चा आया। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सरिया लेने में 70 से 72 किलो हमने सरिया लिया था जो 4500 रुपये की मिली थी हमको, और 25 स्क्वायर फीट बजरी और 25 स्क्वायर फीट हमने इसमें ली थी गिट्टी जो लगभग 2500 रुपये में दोनों चीज़ें मिली थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको आगे की डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों टोटल जो सीमेंट लगी है वो जिस हिसाब से मटेरियल लग रहा है उस हिसाब से लगभग एक बोरी में 8 पिलर जो है वो बन जाएंगे आसानी से, और जो 800 रुपये लगे थे लगभग कील और फर्मा बनवाने में 4 लेबर लग जाएंगे। लगभग 30 पिलर बनाने में 4 लेबर लग जाएंगे, 2 दिन 2-2 लेबर अगर करते हैं तो आप लग जाएंगे इतने, तो कुल मिलाकर के 1200 रुपये लेबर का हमारे यहाँ हो जाएगा। और टोटल जो हमारे पिलर बने हैं वो 31 बन के रेडी हुए हैं दोस्तों, थोड़ा बाहर भी बनाए गए हैं और इधर बन गए हैं, तो 31 पिलर बन गए हैं। और एक पिलर का अगर खर्चा की बात करें तो लगभग 350 रुपये का खर्चा आ रहा है एक पिलर बनाने में, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 सरिया इस्तेमाल करते हैं तो आपका 50 रुपये लगभग मार्जिन और घट जाएगा, 50 रुपये आपका और कम हो जाएगा। तो टोटल 300 रुपये में आप बहुत ही मजबूत पिलर बना सकते हैं। तो अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो वो 240 से 260 रुपये का मिलता है, तो आप कंपेरिजन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा।